वेल कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी। मुझे क्या लगता है मालूम है, डॉक्टर जी को देखते मुझे ऐसा लगता है सेम फॉर्मूला यूज किया है विद अ डिफरेंट पैकेज। वेल अभी हम डॉक्टर जी के बारे में जानते हैं। वेल डॉक्टर जी में क्या दिखाया गया कि आयुष्मान खुराना को एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स होना रहता है, पर उसके पास ऑप्शन नहीं रहता था, सी चूजेस गायनोकोलॉजिस्ट। और गायनोकोलॉजिस्ट एक्चुअली इंडिया में शेमफुल जॉब है, हमें ये पता चलता है। उसकी मॉम भी उसका मजाक उड़ाती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि आयुष्मान खुराना इनकॉम्पिटेंट है गायनोकोलॉजिस्ट बनने के लिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। और इसमें शेफाली शाह उसको हेल्प करेगी, हमें इतना तो पता चल जाता है। पर शेफाली शाह इज रियली गुड इन दिस मूवी, और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी जलसा बोले डार्लिंग बोले दोनों भी अच्छी है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये सेम पैकेज ओवर यूज किया। अगर आप बधाई हो बोलो, दम लगा के हईशा बोलो, या फिर इवन या अभी लेटेस्ट चंडीगढ़ करे इश्क और बाला बोलो, सेम फॉर्मूला है। इसमें क्या दिखाया गया कि आयुष्मान खुराना के पास एक सेंसिटिव सोसाइटी इश्यूज रहते हैं, और उसको वो पहले डिनाई करता है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, और फिर वो एक्सेप्ट करता है। यस, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ करे इश्क में इसमें क्या दिखाया गया कि उसको लगता है कि वो लड़की से इश्क कर रहा है, पर वो एक्चुअली लड़की ट्रांसजेंडर होती है। तो वो पहले डिनाई करता है, उसको गुस्सा आता है, वो डिप्रेस में भी चला जाता है, पर एंड में उसको एक्सेप्ट करता है कि वो क्या है, उससे वो लव नहीं करता, उसके अंदर है वो उससे लव करता है। इट्स अ गुड मैसेज। बट सेम फॉर्मूला अगर आप बाकी के मूवी में देखो तो वही दिखाया गया है, विथ लिटिल बिट चेंजेस टू स्टोरी। बस उतना ही फर्क है, और कैरेक्टर्स चेंजेस रहते हैं, इतना ही फर्क है। और इस डॉक्टर जी में भी हमें वही दिखने वाला है, कैसे वो डिनाई करता है कि उसको गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, फिर वो गुस्से में होता है कि उसको ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, फिर उसको सोसाइटी शेम करती है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट बन रहा है, जैसे कि उसकी मॉम एग्जाम्पल। और फिर हमें पता चलता है कि वो कैसे गायनोकोलॉजिस्ट बनेगा, कैसे वो लेडीज वुमन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। यस, दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर गोइंग टू कम इन दिस मूवी, और ये कॉमेडी वे से दिखाई जाएगी, थस एवरीथिंग विल बी हिडन। सो आई वांट टू से कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ आयुष्मान खुराना से। यस, ये फॉर्मूला काम करेगा, हिट होगी ये मूवी, लोगों को पसंद आएगी, बट एज अ मूवी गोअर आई फील दिस इज ओवर डन नाउ। और बधाई दो इसका एग्जाम्पल है जो राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की जो नेटफ्लिक्स मूवी है, वो एग्जाम्पल है, और वो बहुत ही अनसक्सेसफुल हुई, और एक्चुअली इट वॉज अ डल मूवी। थस आई फील कि डॉक्टर जी भी उतनी ही डल होने वाली है। इसमें जोक्स तो अच्छे हैं, एक्चुअली ट्रेलर में जोक्स अच्छे से दिखाए गए, आई एम नॉट गोना लाइ, मैं थोड़ा हंसा भी हूँ, बट आई फील लाइक इट्स मिसिंग। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत ही ओवर यूज हो रहा है, और मैं मूवी देख के फटाक से बोला ये स्टोरी कैसे होने वाली है, इवन इफ इट्स अ गुड मूवी विद अ गुड मैसेज, बट आई कैन क्लियरली सी कि ये कहाँ पे जाने वाली है मूवी। अगर आपने आयुष्मान खुराना के प्रीवियस मूवी देखी होगी, विद स्लाइट चेंजेस टू कैरेक्टर्स और स्लाइट चेंजेस टू एंडिंग, दैट्स इट। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी इज नॉट यूनिक मूवी, बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। अगर आपको इस टाइप की मूवी पसंद है देन इट्स गुड फॉर यू, बट आई फील कि अभी आयुष्मान खुराना इज अ गुड एक्टर। उसकी अनेक देखो, अंधाधुन देखो, आर्टिकल 15 देखो, उन्होंने उसमें प्रूव किया कि ही इज अ गुड एक्टर, एंड ही शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रोल नाउ। बट आई नो देर इज अ कॉम्पिटिशन इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट स्टिल इफ ही स्टेज देयर वेयर ही इज गोइंग टू फेड रियली सून।